हम हिंदी विषय में एक्सरसाइज देखेंगे। पाठ 7, गुब्बारे वाला। गुब्बारे वाला कविता की एक्सरसाइज देखने से पहले बच्चों, हम गुब्बारे वाला कविता का वीडियो देख लेते हैं। पाठ 7, गुब्बारे वाला। रंगों के हैं कितने भेद, कोई लंबा कोई गोल, लाओ पैसे ले लो मोल, मुट्ठी में लो इनकी डोर, इन्हें घुमाओ चारों ओर, हाथों से दो इन्हें उछाल, लेकिन छूना खूब संभाल, पड़ा किसी का ऊपर जोर, एक जोर का होगा शोर। गुब्बारा फट जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा, गुब्बारा फट जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन। मजा आया सबको बच्चों कविता सुनने में। अब हम कविता की एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2, कविता की पंक्तियों का उचित क्रम 1, 2, 3, 4, 5 लिखो। बच्चों यहाँ हमें गुब्बारे वाला कविता की कुछ पंक्तियां दी हुई है, उसे हमें उचित क्रम देना है। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, गुब्बारों का लेकर ढेर। इन सारी पंक्तियों में से यह वाली पंक्ति सबसे पहले आई थी, इसीलिए यहाँ एक नंबर लिखा हुआ है। उसके बाद दूसरी पंक्ति आएंगी, देखो आया है शमशेर। तो यहाँ सामने जो बॉक्स है वहां आपको 2 नंबर लिखना है। उसके बाद आएंगी, कोई लंबा कोई गोल, तो यहाँ आपको 3 नंबर लिखना है। उसके बाद वाली पंक्ति आएंगी, हाथों से दो इन्हें उछाल, तो यहाँ आपको 4 नंबर लिखना है। उसके बाद एक जोर का होगा शोर, तो यहाँ आप लिखोगे 5 नंबर। एक्सरसाइज नंबर 1, पढ़ो समझो और सही स्थान पर लिखो। बच्चों यहाँ हमें संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन दिए हुए हैं, और संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन के शब्द यहाँ ब्रैकेट में दिए हुए हैं। तो हमें सही संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन के शब्द ढूंढकर यहाँ ब्लैंक में लिखने हैं। संयुक्त व्यंजन मतलब कि एक व्यंजन आधा हो और एक व्यंजन पूरा हो, लेकिन दोनों व्यंजन अलग अलग हो, तो उसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। और द्वित्व व्यंजन का मतलब होता है एक व्यंजन आधा हो एक व्यंजन पूरा हो, लेकिन दोनों व्यंजन अगर एक जैसे हो तो उसे द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। यहाँ हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, यह संयुक्त व्यंजन है और उसके नीचे शब्द दिया हुआ है लट्ठा। उसके बाद शब्द आएगा मुट्ठी, तो मुट्ठी शब्द आपको यहाँ ब्लैंक में लिखना है। उसके बाद ये है द्वित्व व्यंजन, आधा ब और पूरा ब, लेकिन दोनों व्यंजन एक जैसे हैं। तो यहाँ द्वितीय व्यंजन के शब्द आएंगे गुब्बारा, उसके बाद शब्द आएगा धब्बा। आधा न और पूरा ह ऐसा युक्त व्यंजन है, क्योंकि दोनों व्यंजन अलग अलग है। तो यहाँ शब्द आएगा नन्हा और इन्हें। एक्सरसाइज नंबर 2, समान तुक वाले शब्दों को मिलाओ। तो बच्चों समान तुक वाले शब्द का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक शब्दों का अगर अंतिम वर्ण एक जैसा हो तो उन्हें समान तुक वाले शब्द कहते हैं। यहाँ हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे यहाँ शब्द दिया हुआ है फट, तो उसका समान तुक वाला शब्द है कट, तो उन दोनों को मिलाया हुआ है।
उसी तरह से फिर यहाँ शब्द दिया हुआ है हाथ, तो उसका समान तुक वाला शब्द बनेगा साथ। तो आपको उन दोनों शब्दों को मिलाना है। उसके बाद शब्द दिया हुआ है ढेर, तो ढेर शब्द का समान तुक वाला शब्द बनेगा घेर। तो आपको ढेर और घेर शब्दों को मिलाना है। उसके बाद शब्द दिया हुआ है हरा, हरा शब्द का समान तुक वाला शब्द है भरा। तो आपको हरा शब्दों को भरा शब्द से मिलाना है। उसके बाद शब्द है जोर, तो जोर शब्द का समान तुक वाला शब्द होगा शोर। तो आपको जोर शब्द को शोर शब्द से मिलाना है। फट कट, हाथ साथ, ढेर घेर, हरा भरा, जोर शोर। डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने जो आपको एक्सरसाइज समझाई वो आपको हिंदी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 36 और 37 पर लिखनी है। इसके आगे वाली एक्सरसाइज और एक्टिविटी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाय बाय स्टूडेंट्स, स्टे होम स्टे सेफ।